वेलकम टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, यानी ग्लाइकोसाइड के कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टैनिंस के कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर भी जो है जीपेट से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और इसके अंदर जो है मेनली हम टेस्ट कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसमें जो सबसे पहला टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते पर जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ होता है, रिएजेंट कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है इसके अंदर, वो होता है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, यानी जो भी कंपाउंड है उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद जो है इसके अंदर अपन ऐड करेंगे 1% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन। जब ये रिएजेंट यूज़ होता है, क्या कौन कौन सा रिएजेंट, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है कंपाउंड का और उसके अंदर ऐड करना है 1% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है। तो इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन में देखिए हम ओनली बता सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर ब्राउन या फिर ग्रीन कलर जो है आ सकता है। अगर ब्राउन या ग्रीन ग्रीन कलर आ सकता है तो उसे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये टैनिंस हो सकता है। देन सेकंड टेस्ट है, सेकंड जो टेस्ट है वो है जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट। और जिलेटिन टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज़ होता है वो है इसके अंदर जैसे लाइक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो अपने पास कंपाउंड है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है प्लस उसके अंदर ऐड करना है 1% जिलेटिन, 1% जिलेटिन सॉल्यूशन ऐड करना है, 1% जिलेटिन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। उसके बाद 10% NaCl सॉल्यूशन में है वो भी ऐड करना है इसके अंदर। तो रिएजेंट क्या हो गया इसके अंदर, 1% जिलेटिन प्लस 10% NaCl सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और ये जो कंपोजिशन है ये पूरा जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसके अंदर ऐड करना है। और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन में आ सकता है लाइक वाइट बफ PPT, वाइट बफ प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट फॉर्म में PPT है, इसको फुल फॉर्म में आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या आएगा, जिलेटिन टेस्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन में वाइट बफ PPT आ सकती है। देन थर्ड टेस्ट है इसका, थर्ड टेस्ट है वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, वेनिलिन HCl टेस्ट या हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट बोल सकते हैं। इसके अंदर जो है रिएजेंट यूज़ हो रहा है, रिएजेंट इसके अंदर 1 ग्राम वेनिलिन, इसके अंदर जो है 1 ग्राम वेनिलिन लेना है प्लस 10 ml एल्कोहल, 10 ml एल्कोहल ऐड करना है। देन उसके बाद उसमें ऐड करना है 10 ml कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है प्लस जो अपने पास कंपाउंड है या सैंपल है वो उसके अंदर ऐड करना। तो रिएजेंट क्या क्या हो गए, 1 ग्राम वेनिलिन, 10 ml एल्कोहल एंड 10 ml कंसनट्रेटेड HCl प्लस जो कंपाउंड है एनालाइज करना है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर आ सकते हैं लाइक पिंक, पिंक और रेड कलर,
पिंक और रेड कलर अगर आ सकते हैं या अपियर होते हैं, तो अपन इससे कंफर्म हो सकता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो है टैनिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ टेस्ट आता है मैच स्टिक टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक टेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो अपन नॉर्मली हाउस या फिर जो अपन घर पे मैच स्टिक यूज़ करते हैं वो वाली मैच स्टिक है। तो मैच स्टिक के अंदर जो रिएजेंट है, रिएजेंट जो यूज़ होता है वो है लाइक, इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैच स्टिक जो है, मैच स्टिक को डीप करना है एक्वस प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, मैच स्टिक डीप करना है, मैच स्टिक डीप्ड इन एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट। मैच स्टिक को प्लांट एक्सट्रैक्ट या जिसको भी अपन एनालाइज करने वाले हैं कि भाई इसमें टैनिन्स है या नहीं है, तो उसके अंदर जो है मैच स्टिक को डीप करना है प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर। देन उसके बाद उसको जो है ड्राई करना है, ड्राई कर देना है मैच स्टिक को। ड्राई करने के बाद उसको जो है बर्नर के पास उसको ड्राई करना है, बर्नर के पास उसको ड्राई करेंगे। देन मोश्चन विथ कंसंट्रेटेड HCl, और फिर उसके अंदर जो है उसको वार्म करना है मैच स्टिक को। जैसे ही अपन वार्म करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर आ सकते हैं कि जैसे जो मैच स्टिक टेस्ट है, मैच स्टिक टेस्ट टर्न टू पिंक और रेड, यानी जो मैच स्टिक टेस्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो वो पिंक हो जाएगी या रेड कलर। तो जो मैच स्टिक टेस्ट है उसके अंदर क्या है, रिएजेंट क्या यूज़ हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कि जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर मैच स्टिक को डीप करना है, मैच स्टिक डीप इनटू एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड उसको ड्राई करना है। देन मॉइस्चर विथ कंसनट्रेटेड HCl, फिर उसको जो है वार्म करना है, मैच स्टिक को वार्म करना है वार्म नियर बर्नर, बर्नर के पास में ले जाकर उसको वार्म करना है। तो उससे ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकते हैं, मैच स्टिक का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, या तो पिंक हो जाएगा या फिर रेड हो जाएगा। देन लास्ट टेस्ट है फिफ्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट है फिनाजोन, फिनाजोन टेस्ट। और फिनाजोन टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है, रिएजेंट उस रिएजेंट के अंदर लाइक जो यूज़ हो रहा है वो है 10 ml एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है, 10 ml एक्सट्रैक्ट लेना है अपने को, जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है या भी कोई भी सैंपल है जिसके अंदर अपन को एनालाइज करना है, तो 10 ml एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट, 10 ml प्लांट एक्सट्रैक्ट ले लिया। उसके बाद 1 g सोडियम, सोडियम एसिड फॉस्फेट। तो सबसे पहले क्या करना है, 10 ml एक्सट्रैक्ट लेना है प्लांट का, देन उसके बाद 1 g सोडियम एसिड फॉस्फेट ऐड करना है और उसको जो है वार्म करना है, गरम करना है, फिर उसके बाद उसको कूल करना है, कूल करने के बाद फिल्टर कर देना है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद क्या करना, जो फिल्टरेट बचता है, फिल्टरेट, इस फिल्टरेट के अंदर टू फिल्टरेट ऐड 2% ऑफ फिनाजोन सॉल्यूशन। देखिए वापस देख लीजिए एक बार, 10 ml प्लांट एक्सट्रैक्ट लेना है, देन उसके बाद 1 g सोडियम एसिड फॉस्फेट ऐड करना है, उसको वार्म करना है,
गरम करना है, फिर उसके बाद कूल करना है और फिल्टर कर देना है। अब जो फिल्टरेट आता है, टू फिल्टरेट ऐड 2% ऑफ फिनाजोन सॉल्यूशन, फिनाजोन सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन क्या आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर लाइक इसमें जो है प्रेसिपिटेट बनेगी, शॉर्ट फॉर्म में PPT। जब फिनाजोन सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो ऑब्जर्वेशन में प्रेसिपिटेट आ सकती है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो टैनिन है वो प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये भी, वो टेस्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, गोल्ड बीटर टेस्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं गोल्ड बीटर टेस्ट। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स, यानी जो ऑक्स की इंटेस्टाइन होती है वहाँ से मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट प्रोसेस है, स्टेप है, जो मेम्ब्रेन है प्रिपेयर की है अपने मेम्ब्रेन जो, उसको क्या करना है, रिंज विथ डिस्टिल वाटर, यानी डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करना है। फिर उसके बाद जो मेम्ब्रेन है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, मेम्ब्रेन प्रिपेयर करना है ऑक्स की इंटेस्टाइन से। सेकेंड है उसको जो है डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। देन थर्ड स्टेप है जो मेम्ब्रेन है उसको टैनिन के सॉल्यूशन में ऐड करना है, ऐड टैनिन सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट, यानी उसके अंदर जो है टैनिन का सॉल्यूशन ऐड करना है, या फिर अगर टैनिन या फिर जो भी सॉल्यूशन या कंपाउंड या एक्सट्रैक्ट जो भी हो, जिसको भी एनालाइज करना हो, वो सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करना है 5 मिनट के लिए। देन फोर्थ प्रोसेस है वॉश विथ डिस्टिल वाटर, यानी जब टैनिन या कोई भी सॉल्यूशन कंपाउंड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, उसके बाद उसको जो है डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। फिर उसके बाद उसमें 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है, 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर ऑन स्किन कन्फर्म टैनिन, यानी स्किन के ऊपर जो मेम्ब्रेन अपन ने प्रिपेयर की थी उसके ऊपर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर आ सकता है। अगर वो आ जाता है तो ये इससे क्या कन्फर्म हो जाएगा कि टैनिन प्रेजेंस है। तो वापस शॉर्टकट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो सबसे पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट है लाइक एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है कंपाउंड का, उसके बाद उसमें 1% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिला देना है, और ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकते हैं, ब्राउन ग्रीन कलर आ सकते हैं। देन सेकेंड टेस्ट है जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज हो रहा है लाइक एक्वस सॉल्यूशन लेना है कंपाउंड का, प्लस उसके अंदर 1% जिलेटिन सॉल्यूशन ऐड करना है, और उसके साथ में ही 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करना है, और ऑब्जर्वेशन में वाइट बफ प्रेसिपिटेशन आ सकती है। देन थर्ड टेस्ट है वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, वेनिलिन HCl टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है लाइक 1 ग्राम वेनिलिन लेना है, उसके अंदर 10 ml एल्कोहल ऐड करना है, साथ में ही 10 ml कंसनट्रेटेड HCl भी ऐड करना है, और उसके बाद जो भी कंपाउंड है या प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसको एनालाइज करना है वो भी ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकते हैं, पिंक और रेड कलर अपियर हो सकता है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि टैनिन प्रेजेंट है या नहीं है। देन उसके बाद फोर्थ है मैचेस्टिक टेस्ट, मैचेस्टिक टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, मैचेस्टिक को जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर डीप करना है, फिर उसको ड्राई करना है नियर बर्नर, यानी बर्नर के पास ले जाके उसको ड्राई करना है। देन मॉइस्चर विथ कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl में उसको मॉइस्चर करना है। देन उसके बाद उसको वार्म करना है फ्लेम के पास में ले जाके, जहाँ पे भी फ्लेम हो वहाँ पे बर्नर के पास ले जाके उसको वार्म करना है, जिससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकता है, मैचेस्टिक वुड टर्न टू पिंक और रेड, यानी जो मैचेस्टिक होगी वो पिंक कलर या फिर रेड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि टैनिन प्रेजेंट है या नहीं है। देन लास्ट है फिनाजोन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट के अंदर क्या करना है, 10 ml एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है प्लांट का, देन उसके अंदर ऐड करना है 1 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट।
1 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट करना है और उसको वार्म करना है, फिर उसके बाद कूल करना है और फिल्टर कर देना है। अब उस फिल्टरेट के अंदर जो फिल्टरेट बचता है, टू फिल्टरेट ऐड 2% ऑफ फिनाजोन सॉल्यूशन, यानी 2% फिनाजोन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ सकता है, प्रेसिपिटेट आ सकती है ऑब्जर्वेशन के अंदर। देन लास्ट था गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। गोल्ड बीटर टेस्ट के अंदर क्या करना है, जो ऑक्स की इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स, वहाँ से मेम्ब्रेन प्रिपेयर करनी है और उस मेम्ब्रेन को डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है। देन थर्ड स्टेप है उसके अंदर जो है टैनिन सॉल्यूशन या जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो उसके अंदर ऐड करना है 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद उसको जो है वॉश कर देना है डिस्टिल वाटर से, एंड उसके बाद उसमें 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है। जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तब क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन अपन ने प्रिपेयर की थी उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक या फिर ब्राउन कलर जो है अपियर हो सकता है, जिससे टैनिन की कन्फर्मेशन हो सकती है या टैनिन्स की प्रेजेंस अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।